ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्वांटम नंबर चार होते हैं बेसिक्स. एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें शेल्स के बारे में नॉलेज देता है. जिनको ये टॉपिक आता भी है उनके लिए भी एक दो चीजें जरूर नहीं होंगी. मैं कुछ नया बताऊंगा, ध्यान देना प्रॉपर. ठीक है, शेल्स एन से शुरू होता है. 1, 2, 3, 4, राइट. सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल्स डिनोटेड बाय एल, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड अप टू एन माइनस 1. ठीक है, ये सबको पता है. थर्ड, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चे हमें बताते हैं ऑर्बिटल्स, नोटेड बाय एम एल. वैल्यूज लाई फ्रॉम माइनस एल टू एल. एक फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया माइनस एल टू एल. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? यस, एनीवन? ऑर्बिटल निकालने का सेकंड मेथड सर एन प्लस एल वाला. 2 प्लस 1, 2L प्लस 1. ठीक है, और फोर्थ होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन एम एस से डिनोट करते हैं इसको. प्लस हाफ हो सकता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से डिनोट करते हैं, राइट. तो ये चार क्वांटम नंबर हैं जो कि हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस. फिर इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट कैसे करते हैं वो देखते हैं. अब मैं जितना भी लिखूंगा इसी पेज पे लिखूंगा, मैं इरेज करता जाऊंगा. ठीक है, आप लोग देखो, देखो इसको डेजिग्नेट कैसे करना है. देखो जैसे फर्स्ट शेल है, ठीक है, एन वन हो जाएगा, एल जीरो हो जाएगा. तो बच्चों को ये चीज पकड़ में नहीं आ रही कि इसको लिखना कैसे है, एन वन एल वन को लिखना क्या है. एल जीरो होता है ये तो आपको पता ही है, मैं इधर साइड पे लिख शो कर देता हूं बड़े टेबल बन के एक साथ. हाँ, तो हम कह रहे थे कि अगर L की वैल्यू जीरो हो तो क्या होता है, वन हो तो क्या होता है, टू क्या होता है, थ्री हो तब क्या होता है. L की वैल्यू जब जीरो, इट मींस S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल. तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब देखो N वन, नीचे देखो, नीचे N की वैल्यू वन, L की वैल्यू जीरो, इट मींस कौन सा सब शेल का नाम क्या होगा. N कितना है? वन, उसको आगे लिखते हैं, और L कितना? जीरो, उसको यहां लिखते हैं. Oneness. Clear? Got it? अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है N2. क्या आएगा? जीरो आएगा, वन आएगा, एस होगा, पी होगा, है ना. तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल, एस सबशेल होगा, पी सबशेल होगा. कितने कितने होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. इसका नाम कैसे लिखना वो देख लो. क्या क्या नाम होगा बोलो. यस, जो नहीं आए मैं उनसे पूछ रहा हूँ, शायद उनको थोड़ा सा कंसेप्ट ना बताओ, कोशिश करो बच्चे. यस, अर्चित खुराना, नंदनी, वंशिका एंड देवांशु. बच्चे इसको जैसे यहां पे मैंने वनस लिखा है तो इधर क्या लिखूं? सर 2s. 2s. ओके, वंशिका ने दे दिया. और कोई? नंदिनी, दिवांशु एंड अर्चित खुराना, ये हो गया कवर. ये रह गया 2p. बच्चे समझ आ गया? नंदिनी समझ आ गया ये आपको? यस सर. ठीक है, तो मैं एक बार ऑर्बिटल्स की बात भी कर ही लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल एन वन,
एल जीरो होगा, ये माइनस एल टू एल, या माइनस एल टू एल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना तो टू एल प्लस वन वाला लगा दो, मैंने टू एल प्लस वन वाला लगाया, टू एल प्लस वन, आंसर क्या आया, एक ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। और अगर माइनस एल टू एल करोगे तो जीरो वैल्यू आएगी, है ना, मैं वो भी कर देता हूँ, माइनस जीरो टू जीरो, माइनस जीरो जीरो प्लस जीरो तो कोई कुछ भी नहीं होता, एक ही चीज होती है, माइनस जीरो कुछ होता ही नहीं, तो वो जीरो आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसमें भी जीरो वैल्यू आई है, लेकिन मैंने आपको बताया इसको काउंट करना है एज अ वन, ठीक है, इसका मतलब है एक नंबर देखना बस, ये नहीं देखना कि जीरो है। तो अगर आप माइनस एल टू एल वाले फॉर्म से नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ये एडवांस फॉर्मला यूज कर सकते हो, टू एल प्लस वन, ठीक है। उसके बाद तो अब देख लिया यहाँ पे आपने एम एल आ गया वन, इट मीन एक ऑर्बिटल, कितना आया, एक ऑर्बिटल आया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, एम एल की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग रहेगी, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग लिख रहा हूं, इसके लिए रहेगी, अगर मैं 2l प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, दो फॉर्मूले होते हैं ना, 2l प्लस 1 फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल्स निकालने का, तो 2l प्लस 1 लगाया तो 1 आ जाएगा पहले केस में, l की वैल्यू 0 पुट करेंगे, दूसरा केस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आया, 3, 3 में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ठीक है। और ऑर्बिटल्स को हम ऐसे डेजिग्नेट करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, और इधर एक ऑर्बिटल है तो ऐसे करेंगे, क्लियर, ये समझ आ गया सबको, क्लियर टू एवरीवन, तो मेरे को बता सकते हो सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2s में 6b में, तो टोटल हो गए, हाँ टोटल हो गए, ठीक है, चलो अच्छा इसमें इसमें मेरे को बताओ सारा कुछ, अगर n4 होगा L की पॉसिबल वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ठीक है। और अगर ये आ गया हमारे पास L, है ना, L मैंने इधर लिख ही दिया, ML की वैल्यू क्या आएगी, ऑर्बिटल्स कितने कितने आएंगे, सीधा ऑर्बिटल लिखो, 0, हाँ सीधा ML सीधा ऑर्बिटल लिख दो, इधर एक ऑर्बिटल, इधर 3, इधर 5, इधर 9, ये सबको समझ आ गया, 2L प्लस 1 फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बच्चा, 2l प्लस 1 में ये वैल्यू पुट कर दो, 2l प्लस 1 फॉर्मूला है ना, ये 0 यहाँ पुट कर दो, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर दोगे 3 आ जाएगा, 2 पुट कर दोगे 2 * 2 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 9 7 आ जाएगा, मैंने 9 लिखा हुआ है ना, क्या आएगा यहाँ पे 7, समझ आ गया सबको, आशीष आ रहा समझ, यस सर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की बारी, एक ऑर्बिटल में आते 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एम एल जब 1 होगा, एक ऑर्बिटल है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने, 2, इसमें कितने, 6, इसमें कितने, 10, इसमें कितने, 14, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 32. तो 4 सेल में कितने आते मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 32. चलो चलें आगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं कुछ एलिमेंट्स की, मैं स्टार्ट सिंपल से करा देता हूँ, एक बार कार्बन की करा देता हूँ, ठीक है, कार्बन आज मैं आगे का कराने वाला हूँ, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं हमें पता है, हमें हमारे पास 1s होता है, और 1s के बाद सीधा 2s आता है, यानी कि 1p नहीं होता, क्या नहीं होता, 1p नहीं होता, है ना, तो क्या आ जाएगा 2s, 2s के बाद क्या आ जाएगा 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 2p, 3p, 4, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल,
सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भरना होता है, सबसे पहले 1s भरेंगे, 1s के बाद 2s भरेंगे, उसके बाद 2p, फिर 3s, है ना। तो ये बहुत हो गए, कितने काफी इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले भरते हैं इनको। कार्बन भरना है तो कार्बन में पहला इलेक्ट्रॉन, पहले दो इलेक्ट्रॉन, ये सब बच्चे ऐसे लिखते हैं 1s, इस 1 का मतलब होता है शेल और ये इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने बताया हुआ पहले। चलो 1s2 के बाद इधर देखो क्या आया, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन आए, और p के फर्दर 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, कौन कौन सा, x, y, अब चाहो तो सारे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, हाँ जी 2 बचे, तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, यहाँ 0, आपकी मर्जी है 0 लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, ठीक है, क्लियर, ये सबको समझ आ गया। हाँ जी सर, ठीक है। अर्चित, मैं आप ऑफलाइन बुलाऊंगा, मैं सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी इसीलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ जरूरत ना पड़े, रिलैक्स होके कर लो ये, यहाँ आके भगाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे देखो, आगे हम कार्बन से आगे आते हैं, जैसे मान लो मैं फ्लोरीन पे आ जाता हूँ, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 1s2, क्या आएगा बोलो, हाँ जी 2s2, टू पी फाइव आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं तो कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूशन, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। वेरी गुड, पहले अगर मैं सिंगली फील्ड करूं, आप लोग ऐसे मत करना, 1 1 1, फिर एक इधर आएगा, फिर एक इधर आएगा, फिर ये खाली रह जाएगा, है ना, जिसको मैं यहाँ पे 2 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, आगे समझ, तो ये थी फ्लोरिन। अब फ्लोरिन से आगे चलते हैं, इसको मैंने आपको बताया था, इसको आप सीधा भी लिख सकते हो 2p5, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मैं सीधा काफी आगे आऊंगा, मैं बीच में नहीं करवा रहा कुछ भी, ठीक है, मान लो मैं सीधा कैल्शियम पे आ गया, ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो क्या करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, मान लो 2p6 तक तो आपने अभी किया, यानी कि 10 तक तो आपने अभी किया, उसके बाद टेबल पे देखो, मैं साथ में शो कर देता हूँ, 1s2, 1s2s, उसके बाद क्या भरना है, एरो देखो, पहले 2p भरना है, फिर 3s भरना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, 3s के बाद क्या आएगा बच्चे, ये 3p, 18 हो गए, फिर 4s भरना है, 4s में 2 20 हो जाएंगे, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसकी है, कैल्शियम, ओए ये जो डब्बे में किसकी है, आर्गन, तो आर्गन को आप ऐसे करके नोबल गैसेस को ऐसे करके लिख सकते हो, फिर उसके बाद 4s2, दैट्स इट, क्लियर हो गया बच्चे, यस सर, ठीक है। फिर मैंने आपको आगे कराई थी डी ब्लॉक की, है ना, तो उसमें हम करते हैं, मान लो स्कैंडियम की करते हैं सबसे पहले, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो क्या करोगे, आर्गन 18, ये रहा हमारा कैल्शियम, और उसके बाद ये रहा हमारा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में देखो 4s के बाद क्या भरना है, बताओगे टेबल देख के, 4s के बाद क्या भरेंगे, 3d, तो 3d 1 से लेके 10 तक भरना होता है, क्लियर,
और इसमें मैंने आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कराई थी, राइट? मैंने उसकी रीजनिंग करवानी थी, ठीक है? वो मैं आपको आज समझा देता हूँ कि कॉपर क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल क्यों होती है। एक बार हम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चे? चलो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर, हाँ जी, 24। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 और 2 20। एक मिनट, अभी गलत है ये, ठीक है? 20 और 4 24। अगर आप पेपर में ऐसे करके आओगे तो टीचर आपको क्रॉस कर देगा, ठीक है? ये गलत है, ये एक्सेप्शनल होती है इसकी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सही करना है इसको। आर्गन 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चे इधर चला जाएगा, यहाँ 5 हो जाएंगे। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डी में देखो, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना? और 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं आप जानना चाहोगे? ये देखो, एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये आपको मैं धीरे धीरे करा दूंगा, ठीक है बच्चे? तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के पास, ठीक है? और देखो, अगर पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन में भर दूं तो इसे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं? मैंने बताया था, इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई? हाफ फील्ड। यस यस, इसे बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हमने किया था डिस्कस कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, राइट? किया था, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाता है यहां से 4s से इधर आ जाता है। अगर मान लो मैं इसको भी शो करूं, ऐसे होगा ना, देखो यहाँ पे मैं 4s में ऐसे कर देता हूँ, 4s भी बना देता हूँ, या मैं 3d भी बना देता हूँ, और ऊपर भी हम बना देते हैं, 1 2 3 4। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चे इधर आ जाता है, ठीक है? तो नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी आ जाएगी। आ गया सबको समझ? यस, बोलो बच्चे, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, आगे एक बार कॉपर की कर लेते हैं, एक मिनट लगेगा, रीजनिंग कर लेते हैं फिर। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो अगर एटॉमिक नंबर 29 है, आर्गन आएगा यानी कि ये 18 और 2 20, और इसमें 9। बच्चा नॉर्मली ये करके आ जाता है, 29 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। ऐसे तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चे इधर चला जाएगा ताकि वो फुली फिल्ड हो जाए। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, तो ये सारे पेयर अप हो जाएंगे, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी लिखवाओगे? आर्गन आगे क्या आएगा? 4s 1 3d 10, ठीक है बच्चे? चलो, अब आप लोगों ने रीजन नहीं लिखा था उस दिन, आप लोगों को रीजन में समझा देता हूँ, ठीक है? और अगर नोट्स में मैं देख लूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा उसके, ठीक है? वैसे शायद होना चाहिए। चलो, ऐसा क्यों होता है बच्चे? इसके पीछे 2 रीजन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। देखो, लिख लो, आप लिखो, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिखो, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड extra stability of half filled and completely filled electronic configurations is due to the following 2 reasons.
लिखो बच्चे। देखो पहले पहला तो सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कुछ ऐसे, आपके घर में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है किसी भी चीज का, कुछ भी बड़ा है, एनीथिंग, एक यहां पे बड़ा है ठीक है, और बाकी आपके सामने उधर है, आप क्या करोगे? अगर ये पीस मूवेबल है तो आप क्या करोगे, इसको कहाँ लगाओगे? इसको आप उठा के यहां भेज दोगे है ना, क्योंकि जब आप यहां भेजोगे तो उसमें आ जाएगी सिमिट्री। तो जब कोई चीज सिमिट्रिकल हो तो वो स्टेबल ज्यादा दिखती है, ठीक है, स्टेबल होती है वो, क्लियर? तो इसे वो ए होगी, पहला हो गया सिमिट्रिकल अरेंजमेंट। तो सिमिट्री के कारण होता क्यों है, एक्सचेंज, एक्चुअल जो रीजन है इसका एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। तो इसने दो बनाए हुए हैं, एक ही पार्ट है इसका एक्सचेंज, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी का ही वो पार्ट है। तो सिमिट्री का मतलब ये है, देखो जैसे इधर चार इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक दो तीन चार, ठीक है, और इधर है मेरे पास 4s, मतलब कि आप कह सकते हो कि मैं क्रोमियम का केस करा रहा हूं। तो होगा क्या, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज 3d4, दिस इज 4s2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाले शेल में चला जाएगा, 1 2 3 4 5, एक दो तीन, समझ आई बात? एनी डाउट टू एनी वन? अब देखो इसमें आप देख सकते हो ये सिमिट्रिकल हो चुका है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पहला केस। ये पहला केस, दूसरा केस ये सिंपल है, लार्ज एक्सचेंज एनर्जी वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो, ये नोट कर लो बच्चे, नोटेड। एक मिनट लास्ट, हाँ जी ये वाली स्लाइड, यस सर, अब आगे देखो सेकंड पॉइंट, जैसे क्रोमियम है, हमने ऊपर भी क्रोमियम लिख सकते, यहां भी क्रोमियम करते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और कॉन्फिगरेशन या तो ये पॉसिबल होगी, या ये, ठीक है बच्चे। अब हम कौन सी स्टेबल है, आप लोग कहोगे सर ये नीचे वाली स्टेबल है, क्यों देखते हैं, आओ। तो इसमें क्या होता है, मेरी बात समझ ना ध्यान से, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की एग्जांपल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। घूमने के लिए अगर जो जगह है अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दें तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जगह है, देन व्हाट विल हैपन, आप लोग कितनी बार चले जाओगे, खुद को इतना स्टेबल आप नहीं मानोगे है ना। अगर एक की जगह में दो जगह, मैं कहूँ आपके पास दो प्लेसेस हैं घूमने के लिए भाई, तो आप लोग इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं मानोगे, फ्रीडम नहीं है हमारे पास है ना। तो जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो एक दो तीन, जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन है आप उसकी जगह पे उसके घर जा सकते हो और उसको अपने घर बुला सकते हैं। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, ये सेकंड के साथ एक्सचेंज मार सकता है, ये थर्ड के साथ एक्सचेंज मार सकता है, या ये फोर्थ के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और आगे देखो सेकंड वाला कहाँ कहाँ जा सकता है,
सेकंड वाला फर्स्ट के साथ तो हो गया है ना, तो फर्स्ट के साथ तो वो नहीं करेगा। पहले मैं इलेक्ट्रॉन बना लूं, 1 2 3 4। हाँ जी देखो, फर्स्ट वाला तीन प्लेसेस के साथ एक्सचेंज हो सकता है ना, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ कर चुका है तो ये थर्ड वाले के साथ एक्सचेंज कर सकता है या फोर्थ वाले के साथ। सिमिलरली क्या, सिमिलरली क्या, सिमिलरली जो थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ एक के साथ एक्सचेंज कर सकता है क्योंकि टू और वन के साथ एक्सचेंज हो चुका है। तो टोटल कितनी बार इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है, तीन बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो कितनी बार एक्सचेंज हुआ, 6 बार। तो समझ आई बात। अब हम इसको देखते हैं, बच्चे समझ आ रहा है? यस, हाँ जी बोलो। यस ओके ओके, यशवी, नंदनी, सानिया, दिवांशु, काबे, आ रहा समझ? yes. चलो अब इसके वाला आप कराओगे, इसके वाला आप लोग मिलके करते हैं, ठीक है? 5 कितने हैं अब मेरे पास, इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से एक्सचेंज हो सकता है, कितने वेज में एक्सचेंज कर सकता है? चार बार। सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ या फिफ्थ के साथ। और इसी तरह अगला, नेक्स्ट वाला, 3 बार। और के बाद आएगा 3, वेरी गुड। सेकंड वाला या तो इधर जा सकता है या इधर, या इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है अपना खुद का इलेक्ट्रॉन, है ना, उसकी जगह आ खुद आ जाएगा, उसको अपनी जगह भेज देगा। 3 आ गए। थर्ड वाला यहाँ पे, यहाँ फोर्थ, एक बार, तो 3 4 3 7 10 10, इधर क्या आया था, 6, ठीक है। तो क्लियर है कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा है। जब भी बच्चे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, और लोअर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। क्या बोला मैंने, लोअर द एनर्जी, ये लाइन हमेशा दिमाग में रखना, या लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बाहर जाएगी, कर लो नोट। चलो यहां पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाती है, मैं आपको आगे की भी कराना चाहता हूं, आनी चाहिए आपको, आयंस की भी आनी चाहिए, है ना। मेरे पास 1-2 मिनट है, हम करते हैं डिस्कस, बाकी मैं फिर कल कराऊंगा। चले आगे, यस यस। अगर लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, जल्दी करें। सपोज मेरे पास मैग्नीशियम है और उसके ऊपर चार्ज है 2+, मैग्नीशियम आयन हो गया। मैग्नीशियम 2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ जी, एनीवन? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। देखो मेरी बात सुनो, मैग्नीशियम कितने होंगे, 14। मेरी बात समझो ध्यान से, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन होते हैं, 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है छोड़ दो। यहाँ पे भी उसके पास 12 प्रोटॉन होंगे, लेकिन अब देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए, तो मैग्नीशियम पे ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, है ना,
क्यों? दो प्रोटॉन हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10. कितने बचे? 10. इसका मतलब जो Mg2 पॉजिटिव की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3. ठीक है बच्चे, आया समझ? यस बोल, तो बोलो जल्दी बोलो. यस सर. ओके, अब एक और करते हैं, Cl नेगेटिव. और मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप लोग आज मेरे को करके भेज देना. इसी के टाइम कम है बच्चे, एक मिनट रह गया मेरे को क्वेश्चन कराने, तो बाद में देख लेना. ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो. Cl नेगेटिव, Cl जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब बनेगा Cl नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होंगे 18 इलेक्ट्रॉन. 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा ये. थोड़ी सी डिस्कशन हम इस पे कल करेंगे. ठीक है बच्चे, विद दिस योर टुडेस लेक्चर इज ओवर. क्वेश्चन भेज रहा हूँ वो करके भेज देना. ठीक है, ओके बाय बाय सर. ओके बाय सर. ओके बाय.